नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट, हर न्यूज, हर ताजा खबर आप तक पहुंचती रहे। मुख्यमंत्री नेलो को लुटेरों की पार्टी बोलने से पहले एक भी लूट की बात साबित करके दिखा दे। वीरेंद्र सिंह अब केंद्र व राज्य सरकार होने के बावजूद भी SYL का पानी नहीं ला सकते। जी हाँ, ये बात इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला ने कही। आप देख रहे हैं पल पल। हिसार से प्रवीण कुमार की ये रिपोर्ट। इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला आज गांव बीटमड़ा में श्री कृष्ण गौशाला में सांसद कोटे की 15 लाख रुपए की राशि से बने चारा गोदाम व गांव कलन भेड़ी में 5 लाख रुपए से बनी लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक अनूप धानक ने की। गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों ने सांसद दुष्यंत चौटाला का फूल मालाओं के साथ में जोरदार स्वागत किया। पगड़ी पहनाकर व स्मृति चिन्ह देकर के उनको सम्मानित भी किया। चौटाला ने कहा कि गाय की सेवा करना सबसे बड़ी सेवा है। अगर भविष्य में कभी भी गौशाला कमेटी को किसी प्रकार की सहायता की जरूरत है तो उनके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गत समय में उन्होंने प्रदेश में एक दवा घोटाले का खुलासा किया था, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हमारे हिसार व सिरसा के इलाके में नशे का बहुत प्रभाव होने की बात कही थी, जिससे हमारे पूरे इलाके के साथ साथ इलाके की छवि भी खराब करने का प्रयास किया गया। इससे इलाके की मेरी वह मेरी मान हानि भी हुई है। अनिल ने पूरे हिसार और सिरसा वासियों पर के साथ साथ जिस तरह मेरी छवि के ऊपर भी एक दाग लगाने का काम किया था। मैंने उनको लीगल नोटिस के माध्यम से भी मांग करी थी कि आप पब्लिकली इसकी माफ़ी मांगो, नहीं तो मैं इस पर कार्रवाई करूँगा। और आज जब उनकी तरफ से कोई माफ़ी नहीं आई, मुझे कदम उठाना पड़ा कोर्ट के अंदर जाकर। मैंने यही मांग करी है, जिस प्रकार से उनने हरियाणा के ऊपर एक कलंक लगाने का काम किया है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। चौधरी वीरेंद्र सिंह का कल बयान आया कि नेलो 5 बार सत्ता में रही तब SYL याद को नहीं, आज जेल भरो आंदोलन चला जा रहा है। वीरेंद्र सिंह जी तो आज सत्ता में बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी उनके पक्ष के अंदर फैसला आ चुका, जब तो नहीं आया था। वीरेंद्र सिंह जी क्यों नहीं बनवाना चाहते? आज तो पूरे भारतीय जनता पार्टी एक रूप में बैठी है, ना तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार वहाँ पर प्रॉपर पैरामिलिट्री की सपोर्ट दी जा रही कि उसका निर्माण शुरू हो, ना पैसे का प्रबंध किया जा रहा। और हमारी तो ये मांग है कि इसको पूर्ण करवाने का काम सरकार। मुख्यमंत्री का कलाना बयान आया है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, जो इंडियन नेशनल लोकदल लुटेरा पार्टी करार दिया गया इसको। मुख्यमंत्री एक चीज साबित कर दे कि लोकदल के राज में कोई एक रुपए की लूट मचाएगी। और मैं तो दिन प्रतिदिन बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आज हेल्थ डिपार्टमेंट में लूट, किस प्रकार से ठेके प्रथा के माध्यम से प्राइवेट कंपनीज को आज फायदा पहुँचाने का काम सरकार कर रही है। आज अगर सबसे ज़्यादा हरियाणा के इतिहास में लूट मची तो कांग्रेस की सरकार में मची, पर कहीं ना कहीं करप्शन के अंदर बीजेपी ने कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया।